परसेंट, एक मिनट, हम लोग ने ये 50 में डिवाइड किया था 600। हाँ नाइन परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 50 ईच, ये हो गया 30,000। क्योंकि देखो पहले मेरे 600 शेयर्स थे, पहले आपको दिए थे कितने शेयर्स दिए थे क्वेश्चन में, देखो पहले आपको 600 शेयर्स दिए थे ऑफ रुपीज 100 ईच, तो 60,000 था। अभी 600 शेयर्स को आपने 50 का बना दिया, सो दैट कम्स टू 30,000। सो 600 शेयर्स ऑफ 30 ईच, ये हो गया आपका। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है, टेक ऑन योर कैलसीज 50,000, क्योंकि क्वेश्चन में 50 दिया हुआ है। अभी देखो ये 50,000 का हम लोग ने जर्नल में क्या क्या किया, ये 40,000 से कम किया तो 50 में से 40 माइनस हो जाएगा क्योंकि डेबिट किया है, सो कितना बचा 10। फिर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, देखो यहाँ पे क्रेडिट हुआ, क्रेडिट हुआ मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। सो यू विल ऐड 3,000, दैट कम्स टू 13, ये 3,000 ले लिया मैंने। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, सो दैट कम्स टू 13,000। सो आई वुड राइट ओवर हियर 13,000। अभी ये 13,000 मेरे प्रेफरेंस है, इट इज़ ऑफ रुपीज 2 ईच। देखो यहाँ पे ना आप फुली पेड नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो 10 रुपये के शेयर थे अपन समझ रहे थे 2 रुपीज़ पेड अप है, सो यहाँ पे एंड पेड सब्सक्राइब इश्यू सब्सक्राइब एंड पेड अप, और उसके नीचे लिखो इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच, क्योंकि फेस वैल्यू रिमेन्स द सेम, रुपीज़ 2 पेड अप, और ये आपको हो गया 13,000। सो ये टोटल आपका 13 प्लस 30 प्लस 3 13 कम्स टू 43,000। ये समझा, देखो आपको क्या करना है, बैलेंस शीट को बेस देना है और एडलेस करते जाना है। एडलेस करके यहाँ पे अमाउंट लिखो, फिर सामने डिस्क्रिप्शन लिखो, टोटल करो, ये आ गया 43,000। अरे देखो राइट नाउ आई विल नॉट राइट दिस फिगर इन द बैलेंस शीट, क्यों? क्योंकि देखो समझ लो आगे जाके कुछ रह गया तो आपको फिर यहाँ पे करेक्शन करके फिर यहाँ पे बहुत गंदा दिखेगा कैंसिलेशन। सो बेटर है पहले पूरा नोट्स ख़त्म करो। इवन आई वुड से कि अगर आपको अभी टोटलिंग नहीं करना है तो टोटलिंग भी मत करो, हर एक के बाद है ना तीन तीन नए छोड़ते जाओ टोटलिंग और उसका, फिर एक बार सम खत्म हो जाना फिर टोटलिंग करो, क्योंकि शायद अगर कुछ रह भी गया तो अपने पास जगह रहेगा कि वो चलो वो टोटलिंग में अपन चेंज कर सकते हैं। अभी इसका कंटिन्यू यहाँ पे बना रही हूँ नोट्स का। देखो सेकेंड नोट आपके पास कौन सा है, आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस, सो सेकेंड आई वुड राइट रिजर्व्स एंड सरप्लस। अभी देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपके पास क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन में देखोगे तो सिर्फ एक ही है कैपिटल रिजर्व, सो यहाँ पे लिख दो कैपिटल रिजर्व। अभी देखो कैपिटल रिजर्व में कुछ हुआ नहीं है, बट सिर्फ लास्ट में वो बैलेंस आया है 9,000 का, 9,100 का, सो आई वुड राइट ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल रिजर्व का ओपनिंग कितना दिया है क्वेश्चन में, कैपिटल रिजर्व कम्स टू 7,000, तो 7,000 आपको दिया हुआ है, राइट इन इनर कॉलम, एड ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। देखो ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना हुआ 9,100, से यहाँ पे ऐड कर लूँगी 9,100, 7,000 प्लस 9,100 कम्स टू 16,100, ये समझा आपका, ये 16,100 आया। अभी देखो ये 16,100 को अभी टोटल मत करो, क्योंकि शायद अगर कुछ रह गया बाद में तो लिख सकते हैं। सो कैपिटल रिजर्व को स्ट्राइक ऑफ कर दिया मैंने। फिर नेक्स्ट इज योर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, सो नोट टू रिजर्व एंड सरप्लस वॉज नोट टू, नोट थ्री लॉन्ग टर्म बोरिंग्स,
long term borrowings. ये लॉन्ग टर्म बोरिंग से देखो क्या है. क्वेश्चन में आपके पास 5% डिबेंचर्स दिया हुआ है 30,000 का. सो टेक ऑन योर कैलसी 30,000. अभी देखो यहाँ पे डिबेंचर्स डेबिट हुआ. अगर डिबेंचर्स मेरा डेबिट होता है तो मैं माइनस कर दूंगी. सो 30 में से 30,000 पूरा गया, जीरो हो गया, क्योंकि अपने को पता था डिबेंचर्स पूरा ले लिया और उसके सामने नया इशू किया कितने का 21, तो प्लस 21,000. उसके अलावा देखो कहीं पे भी डिबेंचर दिस योर इंटरेस्ट ड्यू तो वो नहीं आएगा. सिर्फ डिबेंचर्स देखो कहीं पे है. यू हैव टू सी द ऑल द एंट्रीज ना, कुछ छोड़ना मत, शायद कहीं पे कुछ ध्यान बार रह जाए. सो देखो सिर्फ एक ही था 21,000 का. सो यहाँ पे लिख दो 21,000 एंड उसके सामने देखो डिस्क्रिप्शन क्या है, 8% डिबेंचर्स. सो आई वुड राइट 8% डिबेंचर्स और रुपीज़ 21,000.